हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक्स आर क्रोमोजोम थ्योरी, लिंकेज थ्योरी एंड थर्ड आर इनहेरिटेंस सेक्स लिंकेज डिजीज। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी वुड स्टडी अबाउट क्रोमोजोम एंड लिंकेज थ्योरी। बोथ थ्योरी आर डिफरेंट्स, बट हम लोग इन दोनों को थ्योरीज को मिक्स करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद क्रोमोजोम थ्योरी। इट थ्योरी गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी, सटन एंड बॉवेरी, ओके, एंड दिस थ्योरी गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी यू कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार एवरी, या यू कह सकते हैं क्रोमोजोम्स नंबर्स आर फिक्स्ड इन एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी सभी सजीवों में जो क्रोमोजोम नंबर्स होते हैं, सभी सजीवों में क्रोमोजोम नंबर्स आर फिक्स्ड लाइक diploid and haploid. Almost organism are diploid and some may be haploids like algae and fungus या fungi. Okay, all most organism are diploids. Second इसका जो you कह सकते हैं second जो इसका character है वो ये है कि All chromosomes are pair in diploid cells. सभी जो chromosomes होते हैं, all chromosomes are paired in diploid cell. यानी सभी diploid जो cells होती है और organisms होती है, उसमें सभी जो chromosomes होते हैं वो क्या होते हैं? Diploids होते हैं। Chromosome numbers को diploid लेते हैं। We can take example human, like diploid chromosome numbers are 46 in human. In wheat, diploid numbers are 42. In pea, diploid numbers are 14. We can take various examples. Human में diploid numbers 46 हैं and pairing of chromosome 23rd. In wheat 21. Pea में 7. You कह सकते हैं कि जितने organs में सभी में diploid numbers जो होते हैं, उसमें जो pairing होती है, वो पेयरिंग उन डिप्लोइड नंबर से हाफ होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डिप्लोइड्स, अगर हम लोग डिप्लोइड्स नंबर्स आर 46 तो वी कैन इजीली कैलकुलेट हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर इन एवरी ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। हैप्लोइड नंबर्स आर 23rd, बट इन डिप्लोइड सेल, बट इन डिप्लोइड सेल ऑल क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, बट इन हैप्लोइड सेल्स ऑल क्रोमोसोम आर हैप्लोइड। तो डिप्लोइड मीन यू कह सकते हैं कि जितने भी डिप्लोइड सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयरिंग होते हैं, और क्रोमोसोम पेयर्स आर टू टाइप। क्रोमोसोम पेयर आर टू टाइप, वन इज होमोलोगस पेयर एंड सेकंड इज हेटरोलोगस पेयर, यानी दीज आर क्रोमोसोम पेयर। होमोलोगस पेयर व्हेन बोथ क्रोमोसोम्स आर equal structurally and equal, these chromosome pair called homologous. When both chromosomes are equal in length, structure and in length, this pair called homologous. When both chromosomes are different each other, this pair called heterologous, like XY क्रोमोसोम पेयर इन मेल। वी नो, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में डिप्लोइड नंबर्स आर 46, वी कैन राइट इन मेल 44 प्लस XY, इन फीमेल 44 प्लस XX। फीमेल यानी मेल में जो हेटरोलोगस यानी जो एलोसोम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड फीमेल में एलोसोम्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। यू कह सकते हैं कि जो फीमेल्स है उसमें 23rd, यानी ऑल द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस इन फीमेल, बट इन मेल कंडीशन 22 पेयर्स आर होमोलोगस एंड वन पेयर इज हेटरोलोगस। आफ्टर दैट क्रोमोजोम के साथ साथ
ऑल द डिप्लॉयड जो सेल्स होती है उनके अंदर क्रोमोजोम्स और जो पेयरिंग होते हैं, क्रोमोजोम के साथ साथ जो जीन्स होती है जीन्स भी पेयरिंग में होती है। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्रोमोजोम जो होती है उन क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स आर ऑक्यूर्स, जीन्स आर ऑक्यूर्स, या वी कैन से इट कि ऑल द क्रोमोजोम्स यू कैन से ए लॉट ऑफ या ए मेनी जीन्स आर लोकेटेड या ऑक्यूर एवरी क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम पर जीन्स जो भी बहुत अधिक संख्या पाई जाती है। एंड जीन्स आर ऑल्सो पेयर्ड इन डिप्लोइड सेल। थर्ड या फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द थ्योरी, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, लाइक इन मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड एंड प्योर। व्हेन ए मेल गैमेट्स, फिफ्थ, व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट दे फॉर्म जायगोट एंड जायगोट आफ्टर दैट जायगोट convert into a new baby by embryogenesis। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम जो थ्योरी है उस थ्योरी में सटन एंड बावरी ने अपनी तरफ से कई अवधारणाएं या हाइपोथेसिस इंक्लूड की और वी कैन राइट सेवरल, हम इसके लिए और भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर बेसिक जो हाइपोथेसिस या बेसिक जो कंटेंट इस थ्योरी के वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हाइपो क्रोमोजोम थ्योरी के बाद में वी वुड स्टडी अबाउट लिंकेज थ्योरी। सर इट्स थ्योरी आल्सो गिवन बाय सटन एंड बोवेरी एंड फर्दर इनके बाद में इसी थ्योरी को सेक्स लिंकेज थ्योरी गिवन बाय मॉर्गन। ओके, तो स्टार्ट वी विल स्टडी अबाउट लिंकेज थ्योरी। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, लिंकेज थ्योरी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वी कैन राइट डिप्लोइड्स एंड हैप्लोइड नंबर। डिप्लोइड्स नंबर्स की बात हम कर सकते हैं कि डिप्लोइड नंबर में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी पेयरिंग में होते हैं और जीन्स भी पेयरिंग में होते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी कि डिप्लोइड सेल्स में प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो या तो क्या होंगे, होमोलोगस होंगे जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, या फिर हेटरोलोगस। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स की पेयर होते हैं या हेटरोलोगस होते हैं उन सभी क्रोमोसोम्स के ऊपर एक निश्चित पैलेस या निश्चित लोकस पर जीन्स आर प्रेजेंट या जीन्स आर ओक्यूर, या यू कह सकते हैं कि एवरी क्रोमोसोम या ए लॉट ऑफ या मेनी जीन्स आर ओक्यूर एवरी क्रोमोसोम, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारी जीन्स पाई जाती है और जीन्स भी किस्म होती है, पेयरिंग होती है। तो वी कैन टेक हियर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें डिप्लोइड नंबर्स आर 46 एंड पेयर आर 23, वी कैन हम यहां पर कोई पेयरिंग अगर क्रोमोसोम अगर लेते हैं तो सर दिस इज इट, वी कैन टेक 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर ये 11वां क्रोमोसोम पेयर है तो ये इनके सेंट्रोमियर्स हैं क्योंकि एवरी क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स और बोथ क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर। तो अगर ये यू कैसे होमोलोगस पेयर है तो इस होमोलोगस पेयर के ऊपर जीन्स आर जीन्स पाई जाती है। अगर मैं यहां पर कुछ जीन्स एक्स में करूं ए बी सी डी ई एफ और जी, जीन्स में भी यू कह सकते हैं जीन्स में भी डोमिनियंट या टू टाइप की होती है, एक जीन्स होती है डोमिनियंट एंड अदर इज रेसेसिव, अदर इज रेसेसिव। ओके, अब यू कह सकते हैं, अब यू कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स अगर पेयरिंग में है तो जीन्स में क्या होंगे, पेयरिंग होंगे। अगर ये यू कह सकते हैं कि ये जीन है तो इसका जो एलील होगा आपको यहां पर प्रेजेंट होगा, इसका एलील यहां होगा, इसका जीन यहां होगा, इसका यहां, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इस वक्त तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या दिस इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और दीज आर पेयर ऑफ द जीन्स, दिस इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दीज आर पेयर ऑफ जीन्स। और अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, अगर हम ये अकॉर्डिंग टू मेंडल यू कह सकते हैं कि एवरी कैरेक्टर ऑफ इन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, यानी प्रत्येक सजीव में प्रत्येक जो कैरेक्टर होगा यानी एवरी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय
एक पेयर ऑफ जीन, यानी प्रत्येक कैरेक्टर का कंट्रोल जीनों का एक पेयर के द्वारा किया जाता है। उन पेयरिंग जीन में से अगर लोग कह सकते हैं ए ए एंड अगर जीन दो है, एक पेयर ऑफ जीन्स हैं, तो इनमें वन जीन है, जो कह सकते हैं एक जो जीन है वो फीमेल से और एक जीन किसे आती मेल से, यानी यूं कह सकते हैं एक आती है मेल पेरेंट से और एक आती फीमेल पेरेंट से। तो यूं कह सकते हैं जीन्स आर जीन्स ऑल्सो पेयर लाइक क्रोमोजोम्स। जीन्स और क्रोमोजोम जो है हमेशा किस होते हैं पेयरिंग के अंदर ही होते हैं। तो जो लिंकेज थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि क्रोमोजोम्स के ऊपर क्रोमोजोम नंबर फिक्स होते हैं, क्रोमोजोम्स पर जीन्स पाई जाती है और किसी एक क्रोमोजोम्स के ऊपर अगर मैं आपको कह रहा चलो माना जाए ये 11-11 गुणसूत्र है, तो इस गुणसूत्र में जो जीन्स है ए बी सी डी ये सभी जीन्स जो साथ साथ पाई जाती है इन्हीं जीन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं लिंकेज, क्या कहते हैं सर लिंकेज जीन। और जो लिंकेज जीन अगर मैं कह सकता हूं इस क्रोमोजोम 11वें क्रोमोजोम्स के ऊपर लिंकेज जीन्स है और ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस जब गैमेट्स बनते हैं, जब भी किसी ऑर्गन जो गैमेट्स बनते हैं तो प्रत्येक क्रोमोजोम जो पेयर है यानी एवरी क्रोमोजोम पेयर के जो क्रोमोजोम्स होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं वे सेपरेट ईच अदर सेपरेट होकर गैमेट्स फॉर्मेशन में टैग पार्ट्स यानी कि दो टैग पार्ट्स इन गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन में प्रत्येक समजात क्रोमोजोम का एक ही समजात पेयर भाग लेगा। उसी प्रकार जब गैमेट्स के दौरान क्रोमोजोम्स डिफरेंट हो रहे हैं सेपरेट होते हैं उस दौरान जीन्स भी सेपरेट होकर अलग हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं ये क्रोमोजोम्स अगर अलग होकर जाएगा ये अलग होकर जाएगा तो इस क्रोमोजोम्स की जो जितने जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी ये जितने जीन्स हैं ये सभी जीन्स एक साथ यानी एक यूनिट में ट्रांसमिशन करेंगे जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन। इन्हीं जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं लिंक लिंकेज जीन और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज थ्योरी। यानी किसी भी समजात गुणसूत्र पर जीनों का यानी जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीनों के साथ रहने का जो नेचर होता है उसी नेचर को हम लोग उन जीन्स को लिंकेज जीन कहते हैं। और ये लिंकेज जीन यू कह सकते हैं कि एक ग्रुप के रूप में एक यूनिट के रूप में यू कह ट्रांसमिशन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो वी कैन से दिस थ्योरी लिंकेज थ्योरी और दिस थ्योरी गिवन बाय सेगेट एंड बॉवेरी। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। यहां पर एग्जांपल्स को मैं थोड़ा लेना चाहूंगा कि जितने भी जीन्स होते हैं यानी जितने भी जीन्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन हमेशा क्रोमोजोम के द्वारा होता है और क्रोमोजोम्स आर टू टाइप। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्रोमोजोम टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स ऑटोसोम एंड अनदर आर एलोसोम्स अनदर आर एलोसोम्स। और वी कैन हम लोग इनको समझ सकते हैं कि जो ऑटोसोम क्रोमोजोम होते हैं एसेक्सुअल क्रोमोजोम होते हैं और दीज आर सेक्सुअल क्रोमोजोम्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑटोसोम और एलोसोम जो क्रोमोजोम्स होते हैं उन पर जीन्स पाए जाते हैं और प्रत्येक क्रोमोजोम पर अपने लिंकेज जीन होते हैं। और किसी भी प्राणी के अंदर अगर यू कह सकते हैं ए ग्रुप हो यानी कह सकते दीज जीन आर लोक्यूलेटेड या ऑक्यूल एक क्रोमोजोम यानी जीनों का एक ऐसा समूह जो एक क्रोमोजोम यानी एक हेटेरोक्रोमोजोम पाए जाते हैं उसे हम लोग लिंकेज जीन कहते हैं। और लिंकेज जीनों का जो ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। और किसी भी प्राणी में लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है लिंकेज ग्रुप नंबर आर इक्वल टू हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर्स। इसको एक बार वापस रिपीट करूंगा कि हैप्लोइड क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं उन्हीं जीनों का जो संख्या होती है उसी संख्या या ग्रुप को हम लोग लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। और लिंकेज ग्रुप आर इक्वल हैप्लोइड नंबर ऑफ हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लाइक एग्जांपल ह्यूमन की बात हम लोग कर सकते हैं, ह्यूमन में हैप्लोइड नंबर्स आर 23। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप्स होंगे आर 23। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स लाइक पी हैप्लोइड नंबर्स आर 7 तो वी कैन से लिंकेज ग्रुप आर 7 इन पी। तो आप समझ रहे होंगे कि लिंकेज जो ग्रुप्स होते हैं उनका जो नंबर्स होता है वो हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर्स के इक्वल होता है। तो ये लिंकेज जो थ्योरी आप लोग यहां पर समझ रहे हैं इस लिंकेज थ्योरी को हम लोग आगे बढ़े उसके साथ ही मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्रोमोजोम्स टू टाइप के होते हैं और उन्हीं क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रत्येक कैरेक्टर का या प्रत्येक कैरेक्टर का जो सिग्निफिकेंस जो होती है एक्सप्रेस करने जीन्स होती है वो लोकुलेट होती है और जीन्स को हमेशा कैरी या जीन्स आर कैरी या जीन्स आर ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन बाई क्रोमोजोम्स यानी सभी जीनों का ट्रांसमिशन हमेशा क्रोमोजोम के द्वारा ही किया जाता है चाहे वो जीन सेक्सुअल जीन हो चाहे वो जीन वेजिटेटिव जीन्स है। इन्हीं जीन्स में अगर हम यू कह सकते हैं कि अगर इन्हीं जीन्स के अगर हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो लिंकेज थ्योरी को अगर हम लोग सेक्स लिंकेज थ्योरी के माध्यम से अगर हम लोग समझे तो सेक्स लिंकेज थ्योरी का मतलब ये हो गया कि वो कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या जो सेक्सुअल जो क्रोमोजोम्स होते हैं
एक्स एंड वाई इन क्रोमोजोम्स के ऊपर या दीज क्रोमोजोम्स आर सेक्सुअल क्रोमोजोम्स, इन क्रोमोजोम्स के ऊपर सेक्स डिटरमिनेंट की जीन पाई जाती है, बट एक्स एंड वाई जो एलोसोम्स क्रोमोजोम्स होते हैं इन क्रोमोजोम्स के ऊपर कुछ ऐसी जीन्स भी होती है जो सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का क्या करती है, कंट्रोल करती है। या यूं कह सकते हैं दीज जीन्स विच आर ओक्यूर ऑन द सेक्सुअल क्रोमोजोम्स एंड कंट्रोल द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी सजीव के कायिक लक्षणों का निर्धारण करने वाली जीन जो कि सेक्सुअल या एलोसोम क्रोमोजोम्स पर पाई जाती है, ऐसे जीन्स को हम कह सकते हैं सेक्स लिंकेज जीन। मैं इसके ऊपर मैं इसको रिपीट दोबारा करूंगा। दीज जीन्स विच आर ओक्यू या लोकेलेटेड ओवर या ऑन एलोसोम्स क्रोमोजोम्स विच कंट्रोल द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी सजीव के कायिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन्स जो पाई जाती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेज जीन्स कहते हैं। सेक्स लिंकेज जो जीन्स होती है ऑलमोस्ट सेक्स लिंकेज जीन्स आर लोकेलेटेड या यू कंपाउंड या ऑक्यूर एक्स क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोजोम पर जो सेक्स लिंकेज जो जीन्स होती है उन्हीं को हम सेक्स लिंकेज जीन बोलते हैं। और ऑलमोस्ट अब तक यूं डिस्कवर हो चुका है कि एप्रोक्सी सेक्स एक्स क्रोमोजोम्स जिनकी संख्या अगर यूं कह सकते हैं, जो एक्स क्रोमोजोम की अगर संख्या हम यूं कह सकते हैं, फीमेल में एक्स क्रोमोजोम्स यूं कह 2 टाइम होते हैं और मेल में जो ये होते हैं वो 1 टाइम होते हैं, क्योंकि अनदर सेक्सुअल क्रोमोजोम्स इज वाई इन मेल। तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक्स क्रोमोजोम पर जो सेक्स लिंकेज जो जीन्स होती है उन्हें हम लोग सेक्स लिंकेज लिंक सेल जीन कहते हैं, एंड वाई क्रोमोजोम पर जो लिंग या सेक्स लिंकेज जो जीन्स पाई जाती है वो जीन्स भी हमेशा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का कंट्रोल करती है, उस जीन को हम बोलते हैं हॉलेंड्री। क्या बोलते हैं? हॉलेंड्री, या वी कैन से हॉलेंड्रिक जीन्स। तो यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे, यू वुड अंडरस्टूड दैट कि एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन्स पाई जाती है, जिन्हें हमारी भाषा में यूं कह सकते हैं कि लिंग सेल जो जीन्स होती है उन्हें तो हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज जीन, एंड वाई क्रोमोजोम पर जो पाई जाती है उसे बोलते हैं हॉलेंड्री जीन्स। Approx Y chromosome पर लगभग almost 14 Hollandry genes are discovered by the scientist, यानी Y chromosome पर almost 14 and X पर 161 genes are located on the X chromosomes। अब मैं sex linkage genes के बारे में आपको explain करूँ और इसका example भी आपको लेकर बताऊंगा कि जो sexual जो genes होती है, मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि sex जो लिंकेज जो जीन्स होती है, ये बता दिया कि ये जीन्स सबसे पहली बात है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का कंट्रोल करती है, नंबर वन। ये जीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स के ऊपर लोकेटेड होती है, नंबर थ्री। ये जीन्स यानी ऑलमोस्ट सेक्स लिंकेज जीन्स आर रेसेसिव, ये आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रेसेसिव होती है। और जो सेक्स ये जो लिंकेज जो जीन्स होती है, सेक्स जो लिंकेज जीन्स होती है, इनका ट्रांसमिशन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स के द्वारा होता है। यू कैसे ऑलमोस्ट यू कैसे ऑल द सेक्स लिंकेज जीन ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन बाई एलोसोम्स क्रोमोजोम्स। और ये बता दिए कि ऑलमोस्ट सेक्स लिंकेज जीन्स आर फाउंड एक्स क्रोमोजोम्स, वाई क्रोमोजोम जो जीन्स होती है उन्हें हम लोग हॉलेंड्री जीन कह सकते हैं। तो यहां पर सेक्स लिंकेज जीन्स थ्योरी को रूप में मैंने आपको बता दिया कि सेक्स लिंकेज जो जीन्स है, जो थ्योरी है वो आप लोगों को शायद समझ आ गई गिवन बाय मॉर्गन कि सेक्स लिंकेज जो जीन्स होती है एक्स एंड वाई में पाई जाती है और ये हमेशा वेजिटेटिव कैरेक्टर कंट्रोल करती है। ये जो ऑलमोस्ट हमेशा क्या होती है, अप्रभावी डोमिनेंट होती है। ये क्या होती है? डोमिनेंट होती है। इनका ट्रांसमिशन बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के माध्यम से किया जाता है। ये आप लोग इसको, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। और इसका एग्जांपल्स आप हम यूं कह सकते हैं कि इनका एग्जांपल के लिए हम लोग यूं कह सकते हैं इनहेरिटेंस, हम लोग एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज डिजीज, सेक्स लिंकेज डिजीज। ओके सर, मैंने भी आपको बताया कि जितने भी सेक्स लिंकेज जो जीन्स होती है वो ज्यादातर एक्स क्रोमोजोम पर लोकेटेड होती है। इस क्रोमोजोम पर ऑलमोस्ट यानी लगभग 161 सेक्स लिंकेज जीन्स पाई जाती है, जिनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि एक है क्लियर कलर,
ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड मायोपिया आल्सो। तो यू कह सकते हैं कि इस एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर काफी जीन्स होती है जो कि सभी की सभी जो जीन्स होती है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर का कंट्रोल करती है, लेकिन ये जीन्स हमेशा पाई जाती है एक्स यानी एरोसोम क्रोमोजोम पर। सो वी कैन से दीज जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंकेज जीन। अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स आर टू टाइप, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। और आपको मैंने कल बता दिया था कि जो एबनॉर्मल फीचर्स हैं वही डिजीज है, यानी कह सकते हैं एबनॉर्मल जो कैरेक्टर होता है वही एक्चुअली कन्वर्ट इनटू ए डिजीज, यानी वी कैन से डिजीज इज ए ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल फीचर्स। एबनॉर्मल फीचर्स, तो फीचर्स चाहे नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो। लाइक मैं आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने कहा होगा कि वी कैन डिफाइन एनी कलर्स, यानी दिस इज ए कॉमन कैरेक्टर, दिस इज ए कॉमन कैरेक्टर एंड इट कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, यानी हम किसी भी कलर को पहचान सकते हैं। तो वो हमारा एक्चुअल कौन सा कैरेक्टर हुआ? नॉर्मल कैरेक्टर हुआ। और ये जो नॉर्मल कैरेक्टर की जो जीन्स है वो एक्चुअल कहां पर है? एक्स जीन, एक्स गुणसूत्र पर। कौन से क्रोमोजोम पर? एक्स क्रोमोजोम के ऊपर है। ओके सर, अगर मैं आप लोगों को वी कांट डिफाइन एनी कलर्स, हम अगर किसी कलर को नहीं पहचान पा रहे तो ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? अबनॉर्मल। तो अबनॉर्मल कैरेक्टर में अगर हम लोग रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू कैरेक्टर्स के बीच में अगर हम लोग डिफरेंट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो इन जो कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसका जो कैरेक्टर हुआ वो कौन सा हुआ? अबनॉर्मल हुआ। और अगर हम लोग कलर पहचान सकते हैं तो वो कौन सा हुआ? नॉर्मल। तो यहां पर हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स जो लिंकेज जो डिजीज है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दो डिजीज का एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जितने भी डिजीज है, यानी कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया बोथ डिजीज आर सेक्स लिंक्ड, यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज। यानी ध्यान देंगे दोनों जो जीन्स हैं, दोनों कौन से जीन है, कौन से डिजीज है? सेक्स लिंक्ड डिजीज। क्यों है सर? क्योंकि इन दोनों डिजीज के जो जीन्स होते हैं उनका कैरी एक्स क्रोमोजोम यानी एलोसोम क्रोमोजोम के माध्यम से होता है। अभी मैं आई विल एक्सप्लेन फर्दर दिस वीडियो। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को एक्सप्लेन करने के साथ मैं बता दूं कि इस कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है, इसका जो जीनोटाइप जो होगा वो कैसे होगा? यानी दोनों डिजीज है, एक बात बता दूं कि दोनों डिजीज हमेशा कौन सी जीन्स होगी? रेसेसिव जीन्स है। दोनों जीन किस होगी? रेसेसिव। यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो रेसेसिव जीन क्या होगा? सी। और इसका कौन सा होगा? स्मॉल एच। क्योंकि रेसेसिव जीन को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? स्मॉल। जितने भी रेसेसिव जीन्स हैं उनका हमेशा सिंबल्स हमेशा स्मॉल लेटर से आएगा और डोमिनेंट जो जीन होगा उसका किसे? कैपिटल लेटर से। वो किसका विशेष ध्यान देंगे? ये जो दोनों जो डिजीज है, इन दोनों डिजीज की अगर बात हम कर सकते हैं कि जो मेल पार्टनर होता है, यानी मेल जो होते हैं वो ज्यादा इससे, यू कह सकते हैं कि मेल इससे ज्यादा सफर करते हैं, यानी मेल इस डिजीज से ज्यादा सफरिंग करते हैं। फीमेल जो पार्टनर होता है, फीमेल पार्टनर में इस डिजीज का या नहीं होने का रीजन नहीं होता है कि इसके ये इसकी इस रोग से क्या बनी होती है? वेक्टर रहती है, यानी ये इस रोग से सफर कम करती है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस डिजीज के लिए अगर हम लोग ये दोनों डिजीज जो है वो सेक्स लिंकेड है, क्योंकि दोनों डिजीज की जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल लेकर हम लोग यूं कह सकते बताऊं कि कलर ब्लाइंडनेस यानी ये एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर जाता है। एक्स क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है वो मेल में 1 होती है यानी एक्स एंड वाई होती है, और अगर फीमेल की बात करें उसमें एक्स और एक्स दोनों होते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि एक्स और वाई क्रोमोजोम्स के बीच में, मैंने आपको डिफरेंस लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार उसको वापस एक्सप्लेन करूं कि एक्स और वाई जो क्रोमोजोम्स है वो बोथ आर हेटरोलोगस है एंड दिस इज ए सेंट्रोमियर। एक्स क्रोमोजोम हमेशा स्ट्रेट होता है एंड लार्ज इन साइज होता है और एक्टिव होता है कंपेयर वाई क्रोमोजोम स्मॉल एंड थोड़ा कर्वेटेड होता है। अब दोनों में यू कह सकते हैं कि दोनों क्रोमोजोम में जो ये जो आर्म है, यानी एवरी जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें टू आर्म होती है, दो आर्म होती है। तो एक्स क्रोमोजोम की ये जो आर्म और ये जो आर वाई की, ये दोनों क्या होती है? हेटरो होती है। और नीचे की जो आर्म होती है ये दोनों क्या होती है? होम होती है। यानी एक्स और वाई क्रोमोजोम टोटली
हेटरो नहीं होता, लेकिन यू कैसे उसकी जो जो यू कैसे जो नीचे की जो आर्म्स है, यानी ये जो दोनों आर्म है या जो भुजाएं हैं, ये तो क्या होती है सर, होमो होती है। और यहां पर अगर कोई जीन सी है तो यहां भी सी होगा, सॉरी हम सी नहीं लेंगे यहां पर, ए ए बी बी सी सी। लेकिन इस आर्म पर कोई भी जीन अगर होगा उसका कोई भी एलील यहां पर नहीं होगा, और यहां पर जो जीन होगी उसका एलील यहां पर नहीं होगा। इसको आप विशेष ध्यान दें कि ये जो आर्म होती दोनों क्रोमोजोम की, वो दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसका ध्यान देंगे। तो जितने भी सेक्स लिंकेज जो क्रोमोजोम है जीन्स होती है वो ऑलमोस्ट एक्स क्रोमोजोम की यहां पर पाई जाती है। एक्स क्रोमोजोम की जितने भी लिंकेज जीन्स होती है, जो अभी मैंने आपको 161 बताई, इनमें ऑलमोस्ट सेक्स लिंकेज जीन्स आर ऑक्यूर दिस आर्म, दिस आर्म। और वाई क्रोमोजोम की जो सेक्स लिंकेज जो जीन मैंने आपको बताई थी 14, वो भी ऑलमोस्ट यहां पाई जाती है। इसका विशेष ध्यान देंगे तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यू कह सकते हैं कि ये जो रेसेसिव जो जीन होता है, रेसेसिव जीन हमेशा अपना कैरेक्टर अपनी होमोजाइगस, अपनी होमोजाइगस फॉर्म में ही अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस करेगा। और जो डोमिनेंट जीन होता है वो हमेशा अपना एक्सप्रेस होमो और हेट्रो दोनों ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। ओके सर, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा कि फीमेल के अंदर अगर किसी फीमेल में अगर इसके एक्स क्रोमोजोम पर, अगर एक्स क्रोमोजोम पर डोमिनेंट जीन है सी, डोमिनेंट यानी प्रभावी जीन कैपिटल, तो वो व्यक्ति यू कह सकते हैं हेल्दी है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का डिजीज नहीं है। ही कांट, यू कह सकते हैं ही कैन इजीली डिफरेंट्स ऑल द कलर्स, ये सभी कलर्स को क्या करे डिफाइन कर सकता है। अभी मैंने समझाया था कि ऑल द कैरेक्टर्स आर टू टाइप, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द ए पेयर ऑफ जीन्स। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एक्स क्रोमोजोम की जिस भुजा पर जो जीन्स होगी, अभी मैं समझाया था कि यहां पर जो जीन्स होगी उन जीन्स ही, इन जीन्स का कोई पेयरिंग नहीं होगा, यानी यहां पर जो जीन्स होगी इन जीन्स का कोई पेयरिंग नहीं होगा, और यहां पर जो जीन्स होगी उनका पेयरिंग होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया इसी का। अगर यू कहते हैं यहां पर कोई जीन्स होगी, ये जीन्स ये इन सभी जीन्स की यहां पर क्यों पेयरिंग होगी, और यहां पर जो जीन्स होगी इनमें किसी प्रकार का कोई पेयरिंग नहीं होगा, ध्यान दें। तो ये उन्हें जीनों में से एक है। तो कलर ब्लाइंड नेस को लेकर ये व्यक्ति जो होगा मेल की बात हम कर रहे हैं, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। और सेकंड इसका क्या हो सकता है, अगर किसी मेल के एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन अगर आता है, स्मॉल आता है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस, यानी ये कलर ब्लाइंडनेस हो गई। इसका विशेष ध्यान देंगे, अब मैं लिख पा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि इस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा, नॉर्मल एंड हेल्दी होगा, और ये समय क्या होगा, कलर ब्लाइंड। ये इसको प्रधान पुरुष सुन ले। इसी प्रकार अगर हम लोग मेल में अगर हम लोग लेते हैं, तो मेल में इस डिजीज या इनहेरिटेंस की तीन कंडीशन या तीन जीनोटाइप बन सकते हैं। वन कंडीशन नॉर्मल, अगर यू कहते हैं दोनों ही क्रोमोजोम पर, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोजोम जो होता है होमोलोगस होता है, और यहां पर ऑल द जीन्स आर ओक्यूर ओवर या ऑन द एक्स क्रोमोजोम्स आर होमोजाइगस, होमोजाइगस यहां पर सभी जो जीन्स होगी, क्योंकि दोनों जो एक्स क्रोमोजोम्स और दोनों क्रोमोजोम्स फीमेल में बिल्कुल है होमो होता है। तो यहां पर ये जो अगर यहां पर कोई जीन क्या प्रभावी जीन है, तो यहां पर प्रभावी जीन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो ये फीमेल क्या होगी, नॉर्मल या इजीली कैन डिफाइन द ऑल द कलर्स। अगर कंडीशन ये हो सकती है एक क्रोमोजोम्स के ऊपर डोमिनेंट और एक पर रिसेसिव, इस कंडीशन के अंदर ये जो फीमेल होगी वो क्या होगी, वेक्टर होगी, यानी ये किसी डिजीज से ग्रसित नहीं होगी, लेकिन अगले जनरेशन के लिए ये यहां पर कैरी का काम करेगी, यानी अगले जनरेशन को ये ट्रांसमिटेड का कार्य करने का, यानी वेक्टर अगली जो जनरेशन होगी, नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके लिए ये क्या होगी, मे बी डेंजर। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर दोनों जीन्स आर रिसेसिव, ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड। आपने भी क्या देखा कि फीमेल में इस डिजीज के चांस के बात हम करें, कितने परसेंट है सर, 33, ये कितना 33, और ये कितना चांस है, हम लोग बात मेल में दो कंडीशन है, यानी 50% मेल क्या होंगे, या तो क्या होंगे नॉर्मल, या फिर क्या होंगे डिजीज से क्या होंगे, यू कह सकते हैं कलर ब्लाइंड नेस से यू कह सकते इफेक्टेड होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन डिजीज से ज्यादातर फीमेल जो होती है वो वेक्टर रहती है, और मेल क्या होता है इस डिजीज से यू कह सकते हैं इफेक्टेड होते हैं। तो यहां पर हम लोग यू कह सकते हैं वी कैन टेक, अगर मैं इसे एग्जांपल को अगर मैं हीमोफीलिया को भी समझाऊं, तो मैं भी आपको एक एक्चुअल एक समझा दूंगा कि हीमोफीलिया डिजीज की बात हम करें, पहले तो हम लोग इस कलर ब्लाइंडनेस डिजीज की बात हम कर रहे हैं। मैं आपको समझा दूं कि कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज है, इस डिजीज का जो जीन है वो रिसेसिव जीन है, और ये जीन एक्चुअल में सेक्स लिंक्ड या सेक्स लिंकेज जीन है। और मैं बता चुका हूं कि सेक्स लिंकेज जीन वे होते हैं जो एलोसोम क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर का कंट्रोल करते हैं। तो हम जान सकते हैं कि डिफाइन द कलर्स
या रिकॉग्नाइज होता है एनी कलर्स, अपने में कौन सा कैरेक्टर सर वेजिटेटिव, क्योंकि कलर को डिफाइन करने का जो कैरेक्टर है वो मेल एंड फीमेल समय पाया जाता है। अदरवाइज अगर यू कह सकते हैं कि अगर यू कह सकते हैं इफ ए पर्सन मेल एंड मेल और फीमेल कांट डिफाइन एनी कलर्स, अगर वो कलर्स को डिफाइन नहीं कर सकता तो डेफिनेटली कह सकता है ही एंड सी सफर विद ए कलर ब्लाइंडनेस डिजीज, और कलर ब्लाइंडनेस डिजीज का जो जीन्स होगा वो एक्स क्रोमोसोम्स होगा, और ये जीन हमेशा हमेशा क्या होता है रेसेसिव होता है और इसका कोई पेयरिंग नहीं होता है, जो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसी प्रकार कलर ब्लाइंडनेस का जो मेन कैरेक्टर का बात हम कर सकते हैं, इसका कैरेक्टर ये होता है कि इस डिजीज से जो सफर या जो इफेक्टेड जो पर्सन होगा वो हमेशा कलर से रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स में डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस आर थ्री टाइप, तीन टाइप हो सकती है, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। ओके, जिसे हम लोग आगे प्रोटोट्रोपिया भी कह सकते हैं, प्रोटोट्रोपिया भी कह सकते हैं, इसके भी आप सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। और एक विशेष बता दूं कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो डिजीज है, हीमोफीलिया डिजीज क्या है, यदि किसी व्यक्ति का माना जा रहा है कि अगर किसी डिजीज किसी व्यक्ति में चोट जब लगती है, यू कह सकते हैं कि व्हेन वी गेट एनी, यू कह सकते हैं कि नॉर्मल हर्ट या नॉर्मल कट, तो जब नॉर्मल कट होती है तो कुछ देर बाद में ब्लड का क्या फ्लो होता है और कुछ समय का ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर किसी पर्सन में यू का ब्लड का जो फ्लो है यानी रेगुलर है आफ्टर ए नॉर्मल कट, यानी नॉर्मल कट के बाद में ब्लड का फ्लो रेगुलर है, ब्लड का क्लॉट अगर नहीं बन पा रहा, तो हम यू कह सकते हैं कि ही इफेक्टेड विद हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को एक्चुअली बात करेंगे पहले इस वीडियो को, इसको मुझे सर अब यहां पर हम लोग वी कैन या वी आर टेकिंग ए एग्जांपल्स कि यदि हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति या कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति का विवाह या मैरिड इनमें से किसी एक फीमेल के साथ अगर करवाते हैं तो इस डिजीज का इनहेरिटेंस क्या होता है, तो वो हम लोग एक लीनियर डायग्राम के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे और आप लोग उसको समझ चुके होंगे। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम लोग यहां पर क्या करें, एक कलर यू कह सकते हैं एक कलर ब्लाइंड मैन, हम लोग एक कलर ब्लाइंड मैन ले रहे हैं, ये ध्यान देंगे हम लोग कलर ब्लाइंड मैन ले रहे हैं, इसका विवाह इसका जो सैंपल क्या होगा स्मॉल सी होगा, और इसका मैरिज अगर हम लोग कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड वुमन, कलर ब्लाइंड वुमन के साथ अगर लोग करवा रहे हैं वुमन, ओके सर, दीज आर सैंपल्स मेल एंड फीमेल, इनके साथ हम करवाते हैं तो डेफिनेट गैमेटाइजेशन से होगा, डेफिनेशन के दौरान क्या होगा, जब ड्यू टू मियोसिस ऑल द पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, एंड क्रोमोसोम्स ऑफ ऑल द पेयर सेपरेट ईच अदर एंड गो इनटू डिफरेंट गैमेट्स, यानी ध्यान देंगे कि गैमेटोजेनेसिस दौरान जितने पेरेंट्स होते हैं, ह्यूमन में 2n = 46 तो पेरेंट क्या होगी 23, यहां पर हम एक ही पेयर ले रहे हैं क्योंकि सेक्स डिटरमिनेशन में एक ही पेयर भाग लेता है, तो मैं अगर इसके साथ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, समझ रहे होंगे। ये हम लोग यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है या जो ये पर्सन है वो एक्चुअल में कलर ब्लाइंड से इफेक्टेड है, यानी ये डिजीज से एक्चुअल में क्या सर इफेक्टेड है, और ये फीमेल भी क्या है इफेक्टेड है, और इसका सेक्स क्या है फीमेल, इसका क्या मेल। मियोसिस के दौरान क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे सेपरेट ईच अदर, ओके, जब सेपरेट होंगे तो डेफिनेटली वन यू कह सकते हो वन विल गो दिस गैमेट, यानी ये इस गैमेट जाएगा और अनदर विल गो डिफरेंट गैमेट, अलग गैमेट जाएगा, इसी प्रकार इनका जब सेपरेशन होगा तो यू कह सकते हैं इस प्रकार यहां गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यू कह सकते हैं इनका जो फ्यूजन जो होगा एपेक्स भी फॉर्म होगा, और ये एक्चुअली कौन है स्पर्म्स है, और ये कौन है ओवम, और ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्पर्म्स आर टू टाइप इन मेल एंड ओवम्स आर या ओवम्स आर वन टाइप। ये भी बता दिया था कि ओवुलेशन हमेशा यू कह सकते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल दौरान एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम लोग यहां पर दो एक्सप्लेन करके समझा लिए होता है कि अब यहां पर कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म है इस स्पर्म में क्रोमोसोम्स नंबर्स की संख्या 23 होगी, अगर यहां पर हम लोग 44 भी लेकर हम लोग करते हैं तो आप समझ रहे होंगे, तो यहां पर हम लोग क्रोमोसोम को समझा रहे हैं क्योंकि ये मेल फीमेल है, इस क्रोमोसोम या इस स्पर्म का जब इस स्पर्म फ्यूजन होता है तो कंडीशन क्या होगी एक्स सी इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो एक्स सी इसका फ्यूजन होता है एक्स सी एंड वाई, और इसका फ्यूज होता है एक्स सी एंड वाई क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर इसका कोई जीन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन हमने क्या देखा कि ये जो पहले बात तो क्या होगी, अगर बात हम यू कर सकते हैं ये फीमेल होगी ये लड़की होगी और दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव जीन्स है, और ये रिसेसिव जीन कौन से कलर ब्लाइंडनेस के, तो डेफिनेटली ये कौन होगी सर कलर ब्लाइंड डॉटर, ये भी कौन होगी कलर ब्लाइंड डॉटर, ये कौन होगा
कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन यानी लड़का। और ये क्या होगा सर? नॉर्मल। ये क्या होगा? नॉर्मल लड़का, ये नॉर्मल सन होगा। तो इसका अगर हम परसेंटेज अगर बात हम करें, लड़कियों की बात हम करें, 10 की अगर बात हम करें तो 50% सॉरी 100% 10 की बात हम करें 100% जो गर्ल्स होगी, लड़कियां जो होगी वो क्या होगी? इससे इफेक्टेड होगी। और जो बॉयज की लड़कों की बात करते हैं 50% क्या होंगे? इफेक्टेड होंगे यानी कलर ब्लाइंडनेस होंगे। और 50% इससे क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। ओके आप समझ पा रहे हैं? अगर हम टोटल अगर यू का टोटल ऑफ स्प्रिंग की बात हम करें तो टोटल में यू को ये कौन है? इफेक्टेड इफेक्टेड इफेक्टेड। तो हम लोग क्या बोले? टोटल के लिए 70% ऑफ स्प्रिंग आर कलर ब्लाइंडनेस एंड 25% आर नॉर्मल। ओके सर, तो अपेक्षा आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक बात तो बताना चाहूंगा, इसी प्रकार से आप लोग भी अलग अलग यू कैन, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल एक बता दिया कि अगर यू कह सकते हैं इसको हम लोगों ने कलर ब्लाइंडिंग माना, इसको माना तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग यू कह सकते हैं कि वी कैन टेक नॉर्मल मेल एंड यू कह सकते हो वेक्टर फीमेल, वेक्टर फीमेल ये लेते हैं। तो इसकी कंडीशन भी आप लोग क्रॉस के माध्यम समझ पाएंगे। अनदर वी कैन टेक एग्जांपल वन एग्जांपल यानी कलर ब्लाइंड मेल एंड वेक्टर फीमेल, वेक्टर फीमेल इनके बीच में हम लोग क्रॉस करवा सकते हैं। या फिर अगर यू कह सकते एक इनके बीच में बता दिया कि अगर ये यू कह सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल मैन एंड इफेक्टेड फीमेल के बीच में, तो आप लोग इनके माध्यम से जो इनका यू कह सकते क्रॉस जो है आप इनको क्रॉस करवा के इनकी जो जनरेशन है इसमें जीन का इनहेरिटेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि ये जो क्रोमोजोम्स है, ये जो जीन्स है, लिंक जीन्स है, ये जितने भी सेक्स लिंकेज जीन्स, वो एक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर है। और एक्स क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले सेक्स लिंकेज जीन अगर चाहे वो सी हो यानी कलर ब्लाइंडनेस की हो या हीमोफीलिया की, अगर मैं हीमोफीलिया को लेकर मैं समझाऊं यहां पर, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो जो डिजीज है ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनके कैरेक्टर डिफरेंट है लेकिन इनका इनहेरिटेंस बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जीन्स ही क्या होंगी? दोनों जीन्स एक जीन यानी कलर ब्लाइंडनेस की है और ये जीन किसकी? हीमोफीलिया की है। अगर बात ये दोनों ये भी किस पर एक्स क्रोमोजोम और ये भी एक्स पर, ये भी रिसेसिव और ये भी रिसेसिव, ये अगर बात हम करते हैं ये जीन्स अगर यू कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स को अगर मैंने एक्शन किया उसमें हीमोफीलिया को मैं समझूं तो इससे हीमोफीलिया जीन का भी अगर यू कह सकते हैं कि एक्सप्रेस जो होगा ज्यादातर किसमें होगा? फीमेल में, सॉरी मेल में होगा। कंडीशन हो सकती है फीमेल की कंडीशन एक ही हो सकती है, बाबू सर ये कौन सी कंडीशन नॉर्मल होगी? क्योंकि यहां पर कौन सी होगा? डोमिनेंट। कौन सा जीन है? डोमिनेंट जीन है, तो डेफिनेटली क्या होगा? नॉर्मल। हम लोग वी कैन राइट कैपिटल एक्स और अगर हम लोग लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही, क्योंकि इसका मीन और इसका मीन एक ही होता है। अगर इसकी जगह डोमिनेंट जीन की जगह कौन सी आ जाए? रिसेसिव जीन आ जाए तो ये कौन सा होगा? हीमोफिलिक। कौन होगा सर? हीमोफिलिक। इतना चेंज है कि हीमोफिलिक होगा। और अगर यहां पर जीन्स अगर यू कह सकते अगर ये जीन यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की होगी, ये जीन ब्लड का क्लोन बनाता है और वो जीन हमें क्या करती है? कलर का यू कह सकते हैं कि कलर को डिफाइन करती है। अगर कलर को डिफाइन करने वाला जीन अगर कैपिटल है तो व्यक्ति नॉर्मल होगा, और अगर ब्लड का क्लोन बना हुआ जीन अगर कैपिटल होगा तो वो भी जीन वो व्यक्ति भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये मैंने आपको दिखाया। इसी बात फीमेल की बात हम करें, फीमेल में क्या कंडीशन होगी? अगर फीमेल एक्स क्रोमोसोम से जो टू टाइम होते हैं इसमें अगर दोनों जीन्स अगर माना जा रहा है कि दोनों ही जीन अगर यू कहते हैं डोमिनेंट है तो ये फीमेल क्या होगी? नॉर्मल होगी। लाइक बस क्यों डिफरेंट है कि दोनों में इन एटेंस में जीन का डिफरेंट है, वहां पर सी है यहां पर क्या है? एच है। इसी प्रकार फीमेल में कंडीशन हो सकती है एक जीन डोमिनेंट और एक जीन रिसेसिव। ये क्या होगी सर? वेक्टर ऑफ दिस डिजीज, की डिजीज से वेक्टर होगी बट सी विल बी फाइन या सी विल बी ओके ड्यूरिंग द ऑल ड्यूरिंग देयर लाइफ स्केल, अपनी पूरी जीवन काल के बिल्कुल नॉर्मल होगी। कंडीशन हो सकती है अगर दोनों जीन्स क्या हो? रिसेसिव हो, ऐसी कंडीशन के अंदर ये भी क्या होगी? हीमोफिलिक होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर इस डिजीज की कंडीशंस भी अगर बात हम करें कलर ब्लाइंडनेस की तरह कितने टाइप की होगी? 3 कंडीशन हो सकती है। मेल में इसकी कंडीशन 2 होगी या 50% एंड 50%। तो आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल के साथ-साथ आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी यहां पर कि जितने भी सेक्स लिंकेज जीन होती है इनका हमेशा एक्स क्रोमोसोम, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पिता का एक्स क्रोमोसोम, ये पिता है और ये माता है, ये ध्यान दीजिए, इसको समझ सकते हैं। पिता का एक्स क्रोमोसोम यानी पिता का एक्स, ये जो एक्स क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ये एक्स क्रोमोजोम हमेशा किसको जा रहा है सर? ये एक्स क्रोमोजोम अगर आप ढंग से देख रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे एक्स क्रोमोजोम यहां देख रहे हैं, तो ये जो एक्स क्रोमोजोम ये वाला, ये एक्स क्रोमोजोम हमेशा कहां से आया? पिता से आया। तो पिता का एक्स क्रोमोजोम हमेशा ये ध्यान देंगे ट्रांसमिशन इनटू
फीमेल यानी हमेशा लड़की में ही जाएगा। तो यदि पिता में कोई सेक्स लिंकेज जीन है डोमिनेंट या रेसेसिव, अगर रेसेसिव जो भी है वो हमेशा किस में जाएगा, लड़की में, और पिता का वाई क्रोमोसोम हमेशा किसको जाता है, लड़के को जाता है। आप समझ पा रहे हैं, इसमें वाई जो जीन आ रहा है वो फादर से आ रहा है और एक्स इसकी मदर से आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि फादर से, अगर ये फादर में अगर कोई ये डिजीज है हीमोफिलिक है, तो ये डिजीज का जो जीन होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किस में जाएगा, कॉमनली बात है ये लड़की में जाएगा। ये ध्यान रखेंगे ये कौन है, नर है यानी कि मेल फीमेल, और नेक्स्ट जनरेशन में जब इसका शादी होगी, अब आप सोचिए सर ये इसका एक क्रोमोसोम कहां से आएगा, उसकी मदर से आएगा, कॉमन सी बात है, एक क्रोमोसोम मेल पार्टनर से, फिर एक कहां से आएगा, फीमेल से आएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो इफेक्टेड क्रोमोसोम आप देख रहे हैं वो मेल का है। तो मेल से सेक्स लिंकेज जीन का ट्रांसमिशन हमेशा किस में होगा, फीमेल होगा, और नेक्स्ट जनरेशन में वापस ये किस में जाएगा, मेल में जाएगा, किस में जाएगा, मेल। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। ये ध्यान देंगे आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर सर वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ हीमोफीलिया, हम हीमोफीलिया का एग्जांपल ले रहे हैं। अब यू कह सकते हैं व्हेन ए हीमोफीलिक मेल एंड हीमोफीलिक वेक्टर फीमेल, यानी कह सकते हैं ये मेल है और ये कौन है, फीमेल। और आप समझ होंगे ये डेफिनेटली ये कौन है, हीमोफीलिक, मैं ऐसा लिख रहा हूं, और ये यहां पर कौन है, हीमोफीलिक वेक्टर। अब ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ ऑल द पेयर्स सेपरेट ईच अदर एंड एंटर ए डिफरेंट गैमेट्स, अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, और एक गैमेट्स के अंदर, एक गैमेट में एक पेयर का एक ही क्रोमोसोम होगा, इसलिए गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर एंड हैप्लॉइड। तो इनमें जब डिफरेंट होगा, सेपरेशन होगा, तो मैं यहां पर सर एग्जांपल इसको इस प्रकार लेके बताऊं ज्यादा बढ़िया रहेगा। 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस XX, आप समझ रहे होंगे। और हम लोग सेक्स लिंकेज जीन पढ़े, तो सेक्स इन जीन्स के इन क्रोमोसोम जो जीन्स होंगे वो सर टोटली जीन जो भी वेजिटेटिव जीन्स होंगी, यहां पर जो जीन्स होगी वो सेक्सुअल जीन्स में होगी, वेजिटेटिव, और जो वेजिटेटिव जीन्स होती उन्हीं को बोलते हैं सेक्स लिंकेज जीन्स। तो यहां पर मैं एक जीन दिखा रहा हूं आप लोगों को एच, और ये एच जीन अभी अभी पता था, एच जीन एक्चुअली कौन सा किसका जीन है, हीमोफीलिक। और हीमोफीलिक कैरेक्टर को अगर हीमोफीलिया अगर बात करते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं। सबसे पहले डिजीज ब्रिटेन जो यानी जो आपका ब्रिटिश जो साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर है उसकी जो बैक्टीरिया विक्टोरिया जो क्वीन थी उसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए इस डिजीज को हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं और ब्रीडर डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो या ब्लड फ्लो विल बी कंटिन्यू आफ्टर नॉर्मल कट, यानी नॉर्मल कट के बाद भी इसका जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। और हम लोग जनरली बात कर सकते हैं कि ब्लड का जो क्लॉट होता है, ब्लड का जो फ्लो जो क्लॉट होता है वो सर 3 to 10 मिनट, यानी यू कह सकते हैं 3 to 10 मिनट, आफ्टर 3 to 10 मिनट के बाद में क्लॉट बन जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। लेकिन इन दिस डिजीज, इस डिजीज में अगर यू कह किसी व्यक्ति का फ्लो या ब्लड का फ्लो अगर 10 to 20 to 30 मिनट तक अगर कंटिन्यू रहता है, तो डेफिनेटली सर ही और सी बी हीमोफीलिक, यानी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। तो इसको आप लोग समझें, तो यहां पर हम लोगों ने एक हीमोफीलिक यानी एक हीमोफीलिक पुरुष लिया है, और यहां पर हम लोगों ने एक यू कह सकते हो वेक्टर, यानी कॉमन सी बात है एक वेक्टर, आप लोग यू कह साइन है, यू कैन साइन हेयर एंड हेयर, आप दोनों लगा सकते हो, बड़ी बात नहीं। तो यहां पर कौन सा जीन होगा डोमिनेंट, और यहां पर कौन सा होगा डोमिनेंट, है नहीं, और यहां पर जीन का होगा एलील होता नहीं, ये मैं बहुत बता चुका हूं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही डिजीज का जो इनहेरिटेंस है बिल्कुल इक्वल होगा। बोथ डिजीज आर डिफरेंट बाय द कैरेक्टर्स, इनके कैरेक्टर अलग होंगे, इसमें जो इफेक्टेड पर्सन होगा कलर को डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसमें होगा ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, इसीलिए हम इसको ब्लेडर डिजीज, इसको क्या बोलते हैं सर, ब्लेडर डिजीज भी कहते हैं और रॉयल डिजीज भी कहते हैं, आप समझ गए होंगे। और दैट इज ए सर या बोथ दैट इज ए लिथल डिजीज, क्योंकि इसमें अगर रेगुलर ब्लड का फ्लो होने से इस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, तो सो वी कैन से सर दिस इज ए लिथल डिजीज, ये एक लिथल जेनेटिक डिजीज। इसमें तो क्या होगा, व्यक्ति डेथ नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर तो कलर का डिफाइन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना जिसके डेथ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, अब जब यू कैसे ये मेल है और ये फीमेल है, जब गैमेट चेंज होगा तो कौन सा होगा सर, ड्यू टू क्रोमोसोम्स सेपरेट ईच अदर ड्यू टू मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के दौरान प्रत्येक पेयर का सेपरेशन होगा और सभी गुणसूत्र अलग-अलग होकर अलग-अलग अलग-अलग गैमेट में जाएंगे। तो 22 पेयर्स है, तो 22 पेयर्स में 22 अलग होंगे, 22 अलग होंगे, वन पेयर एलोसोम से तो एक एक्स यहां जाएगा और वो वाई क्रोमोसोम यहां पर जाएगा, ये गैमेट्स बन गए, गैमेट्स हो गए, हैप्लॉइड्स हो गए, और ये कौन सी कंडीशन है, डिप्लॉइड, क्योंकि इसमें एवरी क्रोमोसोम आर पेयर्ड। ओके सर, इन दिस ऑल्सो लाइक मेल, इसमें वो होगा 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। ओके सर, और दीज आर ओवम, आप इसको समझे, यहां पर मैंने सेक्सुअल क्रोमोसोम से समझा, यहां पर मैंने सेक्सुअल और ओटो दोनों को दिखा रहा हूं, समझ रहे होंगे।
ये स्पर्म है क्योंकि ये फीमेल है, मेल में है तो स्पर्म होंगे और ये क्या होंगे, इसका फ्यूजन अगर बात इसके साथ होगा वही एरोसोम क्रोमोसोम, सॉरी ऑटोसोम क्रोमोसोम फ्यूज विद ऑटोसोम्स, ऑटोसोम के साथ जाएंगे तो 44 प्लस क्योंकि यहां पर जो 20 टोम्स हैं वो यहां पर होंगे, यानी कैसे जो 20 एंड व्हिच क्रोमोसोम्स आर हियर दीज आर आल्सो हियर, यानी ध्यान देंगे जो यहां पर वो यहां पर होंगे 44 प्लस ये जो एक्स एरोसोम थे ये भी कौन एरोसोम थे तो एक्स एच और एक्स एल आप समझ होंगे, इस जो डिटरमिन होगा ये जो जायगोट होगा इससे आगे जाकर कॉमनली बात आप समझ होंगे इससे जाकर क्या होगी सर लड़की पैदा होगी लड़की, लेकिन लड़की के अंदर डेफिनेटली ये जो जो लीथल जीन जो है वो कहां से आ रहा है उसके फादर से आ रहा है, ये मैंने बता दिया फादर से क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा किस में आता है लड़की में, ये ध्यान देंगे ये विषय ध्यान देंगे कि मेल टू फीमेल और अगर जो इसका शादी होगी अगले जनरेशन में ये किस में जाएगा मेल में जाएगा, इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं, ओके सर समझे, तो ये लड़की होगी और लड़की में यहां पर क्या होगी सर वेक्टर, ये क्या होगी सर ये डिजीज से ग्रसित नहीं होगी वेक्टर होगी, अब आपने कहा सर डिजीज से ग्रसित क्यों क्योंकि इसमें हीमोफिली या ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस का जितने रिसेसिव जीन्स होते हैं वो अपना इफेक्ट जो होता है वो हमेशा अपनी होमोजाइगस कौन सी सर होमोजाइगस कंडीशन में फॉर्म करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन क्यों हो सकती है तो मैंने अभी आपको बताया, ओके सर तो आप लोग इस समझ लेंगे, अब इसका फ्यूजन इसके साथ हो सकता है तो इसका फ्यूजन इसके साथ होगा 44 प्लस एक्स एच एक्स एक्स एच और एक्स, अब इसका भी देखो ये कौन सी आ गई होमोजाइगस और ये कौन सी हेट्रो क्योंकि यहां पर एक जीन कौन सा है सर यहां पर कौन सा जीन है सर डोमिनेंट तो हेट्रो होगा तो डेफिनेटली यहां वेक्टर होगा, यहां पर कौन सी आ गई होमोजाइगस और जीन कौन है रिसेसिव तो ऐसी कंडीशंस में अगर बात हम करें ये होगा कौन लड़की होगी कौन लड़की, आप समझ तो पा रहे होंगे डॉटर पुत्री होगी लेकिन दो से ग्रसित होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे हीमोफिलिक, इसका फ्यूज अगर हम इसके साथ करवाते हैं आप थोड़ी जगह कम है कोई बात नहीं इसका फ्यूज के साथ करवाएंगे 44 प्लस एक्स वाई तो ये वाई क्रोमोसोम जो है वो हमेशा लड़के को ये लड़का है सर डेफिनेटली ये इनके लड़का है इस लड़की को वाई क्रोमोसोम अपने पिता से मिल रहा है तो वाई क्रोमोसोम किसी प्रकार का यहाँ पर हमने सेक्स लिंकेज जीन नहीं दिखाकर दिखाया होता तो वो जीन किस में आता पुत्र पर, तो ध्यान देंगे वाई क्रोमोसोम पर जो हॉर्मोनल जीन्स होते हैं ये जीन तो कौन सा सेक्स लिंकेज है मैंने जो बताया 161 और वाई पर कौन हॉलैंड तो हॉलैंड जीन्स हमेशा ट्रांसमिशन इनटू मेल बाय देयर फीमेल पार्टनर या फीमेल पेरेंट्स तो यहां पर आपने देखा मेल टू मेल में जा रहा है तो यहां पर हमने देखा कि यहां इसी पर किसी प्रकार का यहां पर ये जो हीमोफिलिक जीन नहीं है तो ये क्या होगा नॉर्मल ये डिजीज से बिल्कुल क्या होगा नॉर्मल होगा, अगर हम लोग इसको लास्ट में हम लोग देखते हैं इसको लास्ट में हम लोग लेके आते हैं जगह थोड़ी कम रह गई है 44 प्लस X, H and Y तो ये definitely ये क्या होगा लड़का होगा लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि X क्रोमोसोम जो उसे अपनी माँ से मिला है Y तो अपने पिता से मिला है तो माँ से जो मिला है यानी आपने क्या देखा ये जीन मदर से तो लड़का और लड़की दोनों में जा सकते हैं लेकिन फादर से हमेशा लड़की में जाएगा Y X तक का सेक्स लिंकेज जीन का हमेशा ट्रांसमिशन हमेशा मेल टू अगर यू कैसे मेल टू फीमेल ही होगा तो यहां पर करने अगर बात करें नॉर्मल होगा सॉरी डिजीज से वो ऐसे लोग क्या बोलेंगे हीमोफिलिक होंगे, तो आपने क्या देखा कि हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों सेक्स लिंकेज डिजीज है इनका हम लोगों ने यहां पर लीनियर डायग्राम या लीनियर इनहेरिटेंस के माध्यम से आपको एक एग्जांपल समझा दिया, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है आप समझ गए होंगे, इसको अगर बात हम करें ये अगर बात हम समझ गए होंगे कि ये यहां पर क्या होगा वेक्टर होगा और ये अगर बात अंदर हीमोफिलिक होगा ये कौन हीमोफिलिक होगा तो टोटल हमने क्या देखा कि 50% टोटल ले रहे हैं टोटल ऑफ स्पिन की बात है मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे टोटल ऑफ स्पिन में 50% इससे हीमोफिलिक होंगे और आपने क्या देखा कि 25% इससे क्या होंगे वेक्टर होंगे और 25% क्या होंगे नॉर्मल होंगे, यू कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल्स लाइक कलर ब्लाइंडनेस, तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपेक्षा करता हूं कि जो सेक्स लिंकेज यानी इसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम थ्योरी लिंकेज थ्योरी और सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंकेज डिजीज ये हमने सेक्स लिंकेज डिजीज लेकर आपको समझा दिया और अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को बीच में पॉज करके आप इनके जो जो मैं चैप्टर बोर्ड जो लीनियर इनहेरिटेंस जो ग्राफ बनाए इनके माध्यम से आप प्रैक्टिस करके और भी अच्छा सा आप इसको कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स।